क्योंकि आपको पहले ही पता है कि हर विषय में आपको राइटर नेम से क्वेश्चन आता है, ये बात तो हमें पता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में भी मदद करता है, या समरी लिखेगा माने सारांश लिखेगा या क्वेश्चन आंसर लिखेगा, तो सब जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो हम आपको एक मतलब एक सरल तरीका से, जिस तरह से आपको मैं इंग्लिश में बताया था, जस्ट लाइक हम आपको इसमें बता देते हैं। ट्री का मतलब मैं पहले ही बता दिया कि ट्री का मतलब ये नहीं होता कि सीधा रटा जाए, बट ट्री का मतलब ये होगा कि हम ऐसा कुछ आपको हिंट्स दे देंगे कि वो बात याद आते ही आपको पूरा चीज याद आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर तीन चीज याद कराऊंगा, एक तो पांच का नाम याद हो जाएगा, दूसरा वो जैसे बातचीत क्या है, तो जैसे बातचीत है निबंध, बातचीत क्या है निबंध, तो बातचीत निबंध हो गया, ये भी याद करा देंगे कि कैसे आपको पता चल जाएगा कि बातचीत निबंध है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बातचीत क्या है, निबंध है, एकांकिकी है, कहानी है या आत्मकथा है, इस तरह से हम लोग वहां पर निबंध में टिक मारते हैं, और उसके लेखक कौन है, इन सारी चीजों को यानी कि तीन टॉपिक को हम आपको यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। पहले हम आपको बता दें बातचीत, अच्छा बातचीत में दो एक चीज गौर कीजिएगा, जैसे आप लोग आ गए 12 में, तो मैं आपको बताया कि जैसे हम लोग हैं तो हम लोग थोड़ा ठीक ठाक आदमी है, तो बातचीत करने में निमन लगता है, निमन लगता है कि ना जी। लेकिन बालक से छोट बउआ से जाइएगा बात करने, आपको अच्छा लगेगा? तो बात करना किरा से अच्छा ना लगेगा बालक से। तो अब जरा देखिएगा, बालक से अगर आप बातचीत करते हैं, बालक से क्या करते हैं बातचीत करते हैं, तो आपको निमन न लगेगा, निमन न लगेगा, मतलब बातचीत किसे करेंगे, बालक, बालक से पकड़ा जाएगा कौन चीज, बालकृष्ण भट्ट। अब बालक से बातचीत करना क्या नहीं निमन, क्या नहीं करेगा, तो निमन न लगेगा, निमन से पकड़ा जाएगा निमन। सियार से बात करने में कोई दिक्कत नहीं, जाइए बैठिए मम्मी से एकदम लंबा लंबा छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही में छोट बउआ को बुतरू से बात करने में निमन इज्जत नहीं है ना यार, हम लोग जैसा वो मैंने क्वालिटी वाला बात नहीं करेगा, तो वहां पर हमको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब निमन न लगेगा। तो हम लोग बात कब करते हैं, जब हमको निमन लगता है, तो बातचीत केकरा से करने में निमन लगता है, बालक से, बालक से बालकृष्ण पकड़ा गया। चलिए दूसरा बात, उसने कहा था, अब देखिए कोई भी लड़की को जाके कहो कि रे वो तोरा बारे में वो कहानी कह रहा था, उसने कहा था तुम्हारे बारे में कहानी, किसी भी लड़की को जाके बोलो कि रे तुम्हारे बारे में वो कहानी उसने कहा था, क्या कहा था, तो यार कहानी सुना रहा था, उसने क्या सुनाया कहानी सुनाया, तो उसने वो क्या हो गया कहानी, उसने क्या हो गया कहानी। अब लड़की को आप कह रहे हैं कि उसने क्या किया था कहानी कहा था, तो लड़की को जब भी बात कहिएगा तो लड़की शर्माएगी कि ना शर्मा जाएगी ना, तो लड़की को कहिएगा कि ये तोरा बारे में वो कहानी कह रहा था, उसने कहा था, क्या कहा था यार तुम्हारे बारे में उसने कहानी कहा था। अब जब ही आप उसको बोले कि तुम्हारे बारे में उसने कहानी कहा था, तो वो बेचारी क्या हो जाती है शर्मा जाती। अब देखिए उसने कहा था क्या हो गया कहानी, और उसने कहा था कहानी का लेखक क्या हो गया शर्मा जी यानी चंद्रधर शर्मा। अब बात समझ में आया, किसी भी लड़के को हम जाकर कहेंगे कि उसने तुम्हारा कहानी कहा था, उसने तुम्हारा कहानी कहा कांड ना समझे बात, तो उसने जो कहा कि आप जब भी जाके कहिएगा कि उसने कहानी कहा था तुम्हारे बारे में, तो ये बात सुनकर वो बेचारी क्या हो जाएगी शर्मा जाएगी, यानी उसने कहा क्या हो गया कहानी, और उसका लेखक कौन हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, अब आइए दूसरा, संपूर्ण क्रांति। देखिए अब हम आपको बता दे कि जब आप क्रांति करते हैं, क्रांति ना समझे बात, जैसे अन्ना हजारे क्रांति किया था ना, तो अन्ना हजारे क्रांति किया था, जाके भाषण दिया था, अन्ना हजारे क्या किया था भाषण दिया था, अब भाषण में नारा लगाया था भारत माता की जय हो, संपूर्ण क्रांति में क्या होता है भाषण, अब भाषण देने में लोग क्या करता है जयकारा के नारा लगाता है, बात समझ में आया, क्रांति में लोग क्या करता है भाषण देता है, गांधी जी भाषण देते थे, मेरे जवानों वीर जवानों भारत के लिए तुम अपना जान कुर्बान कर दो, तो गांधी जी क्या करते थे
भाषण देते थे। आ भाषण जब दिए तो सब से जनता कहता था बारह माधा की। चलिए तो जयकारा हो गया, अब समझ में आया। तो संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है, और वहाँ पे क्या लग जाता है? जयकारा के नारा, मतलब जय प्रकाश नारायण नारा। देखो ना, जयकारा के नारा लगाना है तो समझे बात। जयकारा क्या करना है? जय का नारा लगाना है, भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ना समझे बात। अच्छा जी, ठीक है। एक आई अर्ध नारी स्वर, आधा औरत आधा नारी। औरत बोले हैं, मर्द बोले। तो देखिए, अब यहाँ पर दो गो है, एगो नाम है, अब धारी में का उल्टा पढ़ लो, राधा त्रिधा न राधा ऊपर हिस्सेकार बोली मारो ना, दिमाग लगाओ, भूल जाओ कि तुमका री है, भूल जाओ कि क्या है, उल्टा है राधा है। तो राम और राधा के दोनों मिलन को ही रूप जो होगा उस अर्धनारीश्वर हो जाएगा, जैसे शंकर और अति कृष्ण अति पार्वती के उत्पन्न बोला जाता है एक आदि अर्धनारीश्वर, वैसे ही राधा और कृष्ण जो होगा और दोनों मिलकर जो रूप बनेगा वो भी क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर। तो दोनों दोनों का रूप जो एक न होगा, एक न होगा तब तक अर्धनारीश्वर होगा? नहीं। राधा और कृष्ण के एक रूप को, एक रूप को मतलब एकांकी, राधा और कृष्ण के एक रूप को क्या बोलते हैं? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसको बोलेंगे? राधा और कृष्ण के एक रूप है, राधा से रामधारी पकड़ा जाएगा। राम और राधा कह दीजिए, राधा या कृष्ण कह दीजिए, तो राम और राधा के रूप को हम लोग क्या बोलेंगे? अर्धनारीश्वर बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा देखिए, ज्यादा हम लोग दिमाग न लगा सकते कि हमको ट्रिक बनाना है, दिमाग को बैठाना है, वो एक्चुअली फैक्ट बना जाएगा कि यहाँ कृष्ण या आदि शंकर है पार्वती चाहिए, तो हम यहाँ नाम थोड़ी चेंज कर सकते हैं, बस इसी से कुछ ऐसा बना सकते हैं कि मेरे दिमाग में बैठ जाए। चलिए रोज, अब रोज है, गांव में बउआ सब रात में हो जाए छे, तो दादी नानी के कलर बउआ एगो राजा रहे एगो रानी रहे, तो राजा रानी मर गए तो कहानी की हो गए, तो पुतवा नाती कलक आगे आगे तू रोजे रोजे क्यों कहानी सुनाई थी, रोजे रोजे तू एक वो कहानी सुने भी, आगे दाई आगे नाई नानी ना मुझे बात, और इधी कहेगी आगे नानी तू रोजे रोजे हमारा क्यों कहानी सुनाई भी ना समझे बात। अरे नानी एक क्यों कहानी सुनाती है, एक था राजा एक थी रानी, अब दोनों मर गए खत्म कहानी, तो लड़का से पिता गिरा के दाई आगे नानी तू हमारा रोज रोज एक क्यों कहानी सुनाई, कहानी सुना नया नया सुनो, अब समझ में आया। तो दाई नानी के कहना है, रोज रोज एक वो कहानी हम न सुनबो, आगे नानी सुन ले, रोज रोज हम एगो कहानी न सुनब, नया नया सुनो, अब समझ में आया। चलिए, तो रोज क्या है? कहानी है, आप कहना कौन जी है दाई के? अगे मतलब अगे सचिदानंद हीरानंद वासायन याद अपने आप हो जाएगा, सचिदानंद हीरानंद वासायन अगे, तो अगे पढ़ा गया तो अपने आप नाम आ जाएगा सचिदानंद हीरानंद, आपको खाली अगे याद रखना कि अगे दाई अगे नानी। एक मिनट, अब आया, अब कहता है एक लेख एक पत्र, एक लेख और एक पत्र। अब देखिए भगत सिंह के बारे में है, भगत सिंह के बारे में है, भगत सिंह क्या कहता है कि भगत सिंह अपने देश को, भगत सिंह अपने देश को संबोधित करते हुए एगो पत्र लिखता है, एगो लेख लिखता है, और लोग कहता है कि देखिए हम आई पत्र जो लिख के जा रहे छू जेल में, जो मरे वाला छू फांसी हुआ तब फांसी हुआ। अच्छा, आपको पता है कि जेल में फांसी अचानक किसको दिया गया? भगत सिंह को, आपको याद ही है, अचानक जब फांसी दिया गया तो भगत सिंह पत्र लिख के लोगों को बताया कि हमारा जो ये मौत होगा, यह मौत क्या होना चाहिए? ऐतिहासिक होना चाहिए। हमारा मौत क्या होना चाहिए? ऐतिहासिक। हमारा आजादी की लड़ाई रुकना नहीं चाहिए। तब आजी जेल में रह के मरते समय पत्र और लेखक कौन लिखा था? भगत सिंह। अब भगत सिंह क्या बताया था पत्र लेखक को, लेख को, कि ऐतिहासिक होगा आंदोलन भैया, क्रांति बह जाएगा। याद रहेगा, एक पत्र एक लेख किसने लिखा था? भगत सिंह। कब लिखा था? जेल में रहते हुए। और जब जेल में रहते हुए एक पत्र लिखा एक लेख लिखा तो उसको क्या बोला? भैया ये ऐतिहासिक होगा। क्या है? ऐतिहासिक। याद रहेगा। चलिए, अब आया वो सदा नीरा। अब वो सदा नीरा में देखिएगा, देखिए नीरा, नीरा में होता है पानी, नीरा में क्या हुआ? पानी।
देख अब तुमको कहा कि धीरे बउआ तू जो है ना जग में कहा जग में जैसे तोरा यहाँ आये कोई कुटुम बाबू के दोस्त चाचा के दोस्त चाचा एलन मामा एलन मामा एलन मामियों एलन तो मामी एलन कहलक कि बउआ जग में जो है ना एक जग नीमन पानी लवा ना नीमन पानी नीरा पानी नीरा पानी में क्या कहते हैं पानी तो मामी की कहता है बउआ एक जग नीमन पानी लवा एक जग क्या करे के है नीमन पानी लवा भाई हम तो नीमन पानी पियो मतलब जग से हो गया जगदीश चंद्र माथुर और नीरा में सदा नीरा पकड़ा जाएगा और सदा नीरा हो क्या जाएगा नीमन पानी बोली हम आदमी पिलाने के लिए गन्ना पानी पिलाइएगा क्या पानी पिलाइएगा नीमन पानी मतलब नीमन तो पिला दीजिएगा मामी को अब समझ में आया अगला कहता है गांव में देखिएगा ज्यादातर लड़का के नाम मोहन राकेश रहता है तो हमारे गांव में वो है मोहन और राकेश नाम का दोनों भाई कदी नाम है मोहन राकेश दोनों को हो गया बिहार पुलिस में तोरे दीदी लेखा और कहाँ हो गया नौकरी बिहार पुलिस में तब बताओ दोनों भाई है तो माई क्या वो होते तो सिपाही के माँ क्या वो होते केकर सिपाही के माँ है कौन सिपाही के मोहन राकेश हमारा गाँव में कौन है पुलिस मोहन राकेश याद रखना हमारे गांव के नाम कि हमारे गांव में कौन है पुलिस मोहन राकेश अब मोहन राकेश अब दोनों भाई है तो माँ क्या वो होते एक के वो ना होते भाई तो सिपाही की माँ क्या वो है ये वो मतलब ये नाम की कौन है सिपाही मोहन और राकेश तो सिपाही की माँ हो गया एकांक की और उसका लेखक हो गया मोहन और राकेश ऐसे पकड़ा जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रगीत और समाज अब देखिएगा अगर आप समाज में गीत गाइएगा समाज में क्या कीजिएगा गीत भजन गाइएगा भजन गीत शादियों में अब जाइएगा तो हम टोला मोहल्ला में जिगरा ब्याह हो घर पे जाके सुबह हो सुबह गा रही हो तो टोला मोहल्ला में तोर नाम होगा कि ना होगा से बताओ पूरा टोला मोहल्ला का ये फलना का बोला के ला कहला ए बिचारी बड़ा निमन निमन गीत गावे छे कथी करे छे बड़ा निमन निमन गीत गावे छे ब्याह में केहन गाना गाना है निमन निमन गीत गाना है आ निमन निमन गीत गाइएगा तो समाज में आपका क्या होगा नाम होगा आप चमकिएगा लोग आपका नाम लेगा कि बाप रे बाप वो फलना के बेटी मत पूछा हो बाबू बड़ा निमन निमन गीत गवे छे पहले लोग का टोला समाज में नाम है समझ में आया तो समाज में क्या करना है गीत गाना है आ गीत गाइएगा तो केहन गीत गाइएगा निमन गाइएगा समझ गए आ निमन गीत गाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा नाम हो जाएगा याद रहेगा तो खूब गाना आएगा साथ आ रहा है लगन आप लोग खूब गीत गाएगा परीक्षा दे दीजिएगा और सबके घरे जाके गाइएगा सुबह हो सुबह खरमाश के बाद तो परीक्षा खत्म हो जाएगा खरमाश के बाद और उसके बाद गाना गाइएगा खरमाश तक नहीं गाना है परीक्षा देना है खरमाश तक चलिए अब आया जूठन क्या है जूठन जूठा खाती हो अच्छा बोलो कारण खाती हो इजोरिया में तो देखा जाएगा जूठ दिले है आ लाइटे न है अनहरिया हो गए तो तोरा नीमन थाली का मतलब हम की घुसका देंगे जूठा वाला थाली तो जूठा वाला थाली में आप क्या कीजिएगा खा लीजिएगा लेकिन जूठन कब ना खाइएगा जब रोशनी होगा आदमी जूठ आदमी को जूठ कब दिखता है भाई रोशनी है ना होटल में जाते हैं तो रोशनी अनहार रहेगा तो केहनो प्लेट में देगा चप चप मार लीजिएगा लेकिन चार बजे से जो लाइट जलता है रे देखो होटल प्लेट धोया सही से देख दे क्या लगा हुआ है प्लेट साफ टेबल साफ करो जाओ गिलास धो गिलास भैया मुदा कहेगा एक पसंद होटल कहते कि नहीं कहते हैं तो आपको जूठन कब दिखाई देता है प्रकाश में जूठन खाते का है नहीं है भाई खाली जब प्रकाशों में तो आप सम्मान को ठेस पहुंचेगा यार हमारी इज्जत की रह जाएगा जूठन खाएंगे तो लोग ही कहेगा तो जूठन काहे नहीं खाते हैं आत्मसम्मान के कारण आज जूठन दिखता का है भाई तो प्रकाश से दिखता है प्रकाश का मतलब हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि अब बात समझ में आया चलिए ठीक बात अगला ये हंसते हुए मेरा अकेलापन अब हंसते हुए में क्या है देखिएगा जब आदमी के डायरिया नाम के बीमारी होता है डायरिया ना समझते
ओय में लूज मोशन सब चालू हो जाएगा। हाँ लूज मोशन ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डायरिया नामक बीमारी होगा। तो डायरिया नामक बीमारी में होता कौन सी है भाई, तो लोग मल त्याग करता है, पैखाना उखाना कर जाकर होता है। बात समझ में आया, तो डायरिया होगा तो लोग क्या करेगा, मल त्यागेगा। अब मल वही मेरी बेचारा का हंसबो करेगा, रोबो करेगा, तो अकेले में केकरा जाके कहे कि हो भाई हमारा ये हाल है, तो बेचारा अकेले में हंसता रहता है कि कोई उपाय नहीं, केकरो कह नहीं सकता है। इज्जत वाला बात है भाई, तोरे लूज मोशन होगा तो लो जाएगा कहने, हमारा लूज मोशन भेल है ना, इज्जत वाला बात है भाई। तो देखिए तो डायरिया होता है, तो डायरिया में क्या रहता है, लूज मोशन आता है, मल मतलब मल क्या करता है, मल का मतलब होता है ना पैखाना वगैरह। तो डायरिया होता है तो क्या करता है, जो खूब पैखाना करेगा, तो खूब पैखाना करेगा तो दर्द होगा, हंसी आएगा, वो कहाँ करेगा, अकेले में बेचारा करेगा, केकरो करेगा नहीं। अब समझ में आई बात। अब चलिए त्रिज, अच्छा भूगोल तो सब पढ़ा होगा जी, भूगोल। अच्छा भूगोल में आपको बताओ, सूर्य की तीसरी राशि तिरछी रोशनी कब होती है, सूर्य की तिरछी रोशनी कब होती है, उगते हुए समय में या डूबते हुए समय में। तो जरा देखो तो क्या कहता है, उदय या प्रकाश। जब रोशनी प्रकाश जब उदय होता है, प्रकाश क्या होता है, उदय होता है मतलब उगता है, तो उगते हुए समय आप उस उगते हुए समय रोशनी क्या रहता है, तिरछा रहता है। उगते समय रोशनी क्या रहता है, तिरछा रहता है। आई कहानी तू पढ़े हुआ है कि ना पढ़े हुआ, कि हम बताएंगे तुमको। उगते हुए जो प्रकाश होता है, जब प्रकाश का उदय होता है, तो वो प्रकाश उदय वो समय वो प्रकाश कैसा रहता है, तिरछा रहता है। आई कहानी हम तुमको बताएंगे, हाँ पढ़े हुए, क्या पढ़े हुए हैं, कहानी कौन सी का कहानी पढ़े हुए, सूर्य की कहानी, कि जब सूर्य का रोशनी निकलता है तो प्रकाश कैसी होती है, तिरछी होती है। तो त्रिज क्या है, कहानी है। ये कहानी आप किसके बारे में है, तो उगते हुए सूरज के बारे में, तो उदय प्रकाश के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट है शिक्षा। अच्छा चलिए, शिक्षा तो भैया जरूरी है। अब कहता है ईमानदारी से बताओ, तुम लोगों को पढ़ने का मन करता है ना, तो जब पढ़ने का ना मन करता है तब माँ या बाबू जो है ना कूट कूट के आप इतना ना लेक्चर देगा, इतना ना भाषण देगा, जाओ रे कुमादरे को तोड़ा जोड़े के फंगामा के बेटा है, फंगामा के बेटी जरा भर दिन पढ़ित रही है, एगो ही कुपातर समय भर दिन जाए के सुतल है ठंडा मोबाइल चला भैया, सही बात, बहुत बड़ा आती भैया मैंने ताना है मोबाइल चला। तो शिक्षा आपको कहाँ से मिलता है, मम्मी के भाषण से। और वो मम्मी जो जिद करती है, क्या करती है, जिद करती है, जिद करती है, जिद करके इतना ना भाषण देगी कि भाषण दे दे के आपको शिक्षा दिलवा देती है। तो शिक्षा कहाँ से मिलता है, मम्मी के दिए गए भाषण से, जिद से। आप अपने से शिक्षा लेते हो, जिद करती है, थोड़ा पढ़े को तो पढ़े गया हो, और वही तो क्या करती है, भाषण देती है। अब भाषण देकर आपको क्या दिला देती है, शिक्षा, शिक्षा दिला देती है। हो जाएगा, चलिए नोट कर लीजिए।